हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज आपको फिर से हम तीन कलर से बहुत ही प्यारी सी लड्डू गोपाल जी के लिए ड्रेस बनाना बताएंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पे ओस वाल की वूल ली है, ये तीन कलर में, और मैंने 10 नंबर सिलाई ली हुई है। इसी से मैं आपको बहुत ही प्यारी सी ड्रेस बनाना बताऊँगी, जो बनाने में बिल्कुल ईजी है। और यहाँ पर हम 4 नंबर गोपाल जी के लिए ये ड्रेस बनाना बताएंगे। प्लीज़ आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपके पास मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं बनाना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे फंदा डालेंगे। तो यहाँ पे मैं 4 नंबर गोपाल जी के लिए आपको बता रही हूँ, 4 से 5 को भी आराम से आ जाएगी। ये देखिए, इस तरह से हम फंदे डालेंगे। ये देखिए, एक फंदा, दूसरा फंदा, और ये तीसरा फंदा, चौथा फंदा। ऐसे ही मैं यहाँ पे अपना 18 फंदा ले लेती हूँ, उसके बाद आपको फिर दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे 18 फंदा डाल के कंप्लीट कर लिया है। और इसके बाद हम ये देखिए, यहाँ पे 2 सिलाइयाँ ऐसे ही बनाएंगे इसका बॉर्डर। ये देखिए, इस धागे को इस तरह से करेंगे। चार पांच फंदों में हम इसको ऐसे दबा लेंगे और लास्ट में इसको कट कर देंगे। तो देखिए, मैं यहाँ पे इसको 2 सिलाइयाँ ऐसे ही बना के कंप्लीट करूँगी। ये देखिए इस तरह से, और लास्ट में इस धागे को कट कर देंगे। तो चलिए, ऐसे ही इसको 2 सिलाइयाँ यहाँ पे बना लेते हैं। ये देखिए, फर्स्ट रो को बनाया और उल्टी तरफ से भी बना लेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे फिर से दिखाएंगे। तो चलिए कर लेती हूँ इतना। तो 2 सिलाइयाँ मैंने बना के कंप्लीट कर ली हैं। ये देखिए, एक धारी हमारी यहाँ पे दिख रही है, तो दोनों साइड से ये 2 सिलाइयाँ हो चुकी हैं। अब पहले फंदे को उल्टा बनाएंगे, उसके बाद हम अपना हर फंदे से फंदा बढ़ा के यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, ऐसे इस तरीके से एक फंदा उल्टा बनाया, पीछे धागा किया और एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, सॉरी, और पीछे धागा किया और इसी में से एक फंदा सीधा। तो इसको हम ऐसे ही बनाते हुए कंप्लीट करेंगे, एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा। ये देखिए इस तरीके से, एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा। ये देखिए, उल्टा बनाया, पीछे धागा किया और इसी में डाला वापसी, फिर एक फंदा सीधा। तो इसको हम ऐसे ही बनाते हुए कंप्लीट करेंगे और उल्टी सिलाई भी पूरा उल्टा बनाएंगे, कुछ नहीं किए, उल्टी सिलाई को पूरा उल्टा बनाना है। तो आइए, मैं इसको ऐसे ही बनाते हुए कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। ये देखिए इस तरीके से, चार नंबर गोपाल जी के लिए आपको ये ड्रेस बता रहे हैं, 5 को भी आराम से आ जाएगी। ये देखिए इस तरीके से, और लास्ट वाला फंदा उल्टा कर लेंगे। अब यहाँ पे पूरी सिलाई को हम उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट कर लेते हैं। तो उल्टी सिलाई यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अब ये देखिए, यहाँ से 2 फंदा हम उल्टा बनाएंगे इस तरह से, और पूरी रो को हम सीधा सीधा, सभी फंदों को सीधा सीधा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे मैं दो सिलाइयाँ सीधी सीधी बनाऊंगी, यानी कि दोनों तरफ की 4 सिलाइयाँ, फंदे बढ़ाने के बाद 4 सिलाइयाँ टोटल बनाएंगे, उसके बाद अपना ये 2 कलर इसी में ऐड करेंगे। तो आइए, मैं यहाँ पे 2 सिलाइयाँ सीधी सीधी बना के कंप्लीट कर लेती हूँ और उल्टी साइड से उल्टा उल्टा बनाएंगे, यानी कि 3 सिलाइयाँ हो जाएंगी और चौथी पे हम अपना कलर चेंज करेंगे। ये देखिए इस तरह से, फंदे बढ़ाने के बाद हम सीधी सिलाई पे फंदा बढ़ाया, उल्टी सिलाई को उल्टा बनाया,
और सीधी तरफ से हम सीधा सीधा इसको बना के कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, और लास्ट के फंदे दो उल्टा उल्टा बना लेंगे। तो चलिए मैं इतना कर लेती हूँ इसको, फिर दिखाती हूँ आपको। तो देखिए मैंने यहाँ पे तीन सलाइयाँ अपनी बना ली हैं। फंदे बढ़ाने के बाद दोनों तरफ की मेरी तीन सलाइयाँ यहाँ पे अभी तक हो चुकी हैं। अब ये देखिए चौथी सिलाई पे हम अपना यहाँ से इसमें कलर ऐड करेंगे। कलर कॉम्बिनेशन आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद है। ये देखिए इस तरह से धागे को दबा लेंगे, ये देखिए ऐसे। तो इसको हम दोनों साइड से उल्टा उल्टा ही बनाएंगे। इसके बाद अपना ग्रीन कलर ऐड करेंगे इसमें, और दोनों साइड से उल्टा उल्टा ही हम बना के कंप्लीट करेंगे। तो चलिए कर लेते हैं इसको ऐसे ही। ये देखिए मैं आपको बता दूं यहाँ पे कितनी सिलाइयाँ। पहली सिलाई को ऐसे ही बनाया, दूसरी सिलाई पे फंदे बढ़ा लिए, दो सिलाइयाँ मैंने सीधी सीधी बनाई, यानी कि यहाँ पे टोटल चार सिलाइयाँ हो चुकी हैं। यानी कि सातवीं सिलाई पे हमने कलर चेंज कर दिया है। दोनों साइड की हमारी सात सिलाइयाँ हो चुकी हैं, और आठवीं सिलाई पे मैंने अपना येलो कलर लगा लिया। तो चलिए कर लेते हैं इसको। तो सीधी साइड से भी मैं इसको उल्टा उल्टा ही बनाऊंगी। ये देखिए ऐसे। इसमें हम ग्रीन कलर को ऐड करेंगे, वैसे ही हमने ग्रीन कलर की सिलाई बनानी है। ये देखिए, तो आइए मैं इसको ऐसे ही बनाते हुए कंप्लीट कर लेती हूँ। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि कितनी सिलाइयाँ मैंने यहाँ पे बनाई हैं। तो चलिए कर लेते हैं इसको भी कंप्लीट। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे छह सिलाइयाँ अपनी टोटल अभी तक बना ली हैं। ये देखिए इस तरह से, यहाँ से आप गिन लें, यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कितनी सिलाइयाँ मैंने बनाई हैं। ये देखिए, एक दो तीन चार पाँच छः, और ये मेरी सातवीं सिलाई है, सातवीं सिलाई है। तो यानी कि दोनों तरफ की हमारी यहाँ पे 14 सिलाइयाँ हो चुकी हैं। दोनों साइड की 14 सिलाइयाँ मैंने अभी तक बना ली हैं। अब यहाँ से ये देखिए हम बाजू अपनी बनाएंगे, तो वो कैसे बनाएंगे? एक फंदा, दूसरा फंदा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा फंदा। छह फंदे मैंने बना लिए कंधे के लिए। अब यहाँ से अपनी बाजू घटाएंगे। तो बाजू को आप चाहे उल्टी तरफ से घटाएं, चाहे सीधी तरफ से, जैसा भी आपको ठीक लगे आप उस तरह से घटा सकते हैं। ये देखिए, एक फंदा घटाया, वापस सिलाई में डाला, दूसरा फंदा, वापस सिलाई में डाला, तीसरा फंदा, वापस सिलाई में डाल के चौथा फंदा, और ये पांचवा, और ये छठा, और ये देखिए यहाँ पे सातवां फंदा। सात फंदे मैंने घटा दिए हैं, ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ से ये देखिए पीठ के लिए दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, इधर के फंदे एक बार काउंटिंग कर लेते हैं। ये देखिए दो दो चार दो छ, और ये देखिए दो दो चार, यहाँ पे हम ये देखिए दो फंदा कम कर देते हैं, आठ फंदे हमारे हो गए हैं। अब ये देखिए दो दो चार दो छ, दो दो चार दो छ सात। अब यहाँ से हम सात फंदा अपना फिर से घटाएंगे। ये देखिए एक, दूसरी बाजू के लिए दो तीन चार पाँच छः और ये सात। अब यहाँ के फंदे सभी उल्टा उल्टा बना लेंगे, और यहाँ से अपने धागे कट कर देंगे। ये देखिए इस तरह से ये बाजू हमारी यहाँ पे घट चुकी है। अब सभी फंदों को हम यहाँ से उल्टा उल्टा बना लेंगे, और जो भी हमारे ये धागे हैं इनको हम दबाते हुए कट कर देंगे। तो देखिए कैसे, इनको इस तरह से दबा लेंगे। ये देखिए, और यहाँ पे मैं इनको, अब यहाँ से हमारी घेरे में ज़रूरत पड़ेगी तो हम यहाँ से कट कर देते हैं। ये देखिए, और जो भी हमारा
धागा बचा हुआ है इसको हम दबाते हुए बना लेंगे। तो यहाँ पे मैं अब ये देखिए अपनी दो सिलाइयाँ बना लेती हूँ। बाजू के फंदे अलग करने के बाद दो सिलाइयाँ यहाँ पे टोटल ऐसे ही बना के कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे दो सिलाइयाँ अपनी बना ली हैं, यानी कि तीन सिलाइयाँ, फंदे बाजू के फंदे घटाने के बाद तीन सिलाइयाँ टोटल अपनी यहाँ तक मैंने बना ली हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी अपना हम फंदा बढ़ाएंगे। तो फंदा हमने जैसे अपना पहले फंदे को उल्टा बनाएंगे, उसके बाद हर फंदे से फंदा बढ़ा के कंप्लीट करेंगे। और ये मुझे दो सिलाइयों पे फंदे बढ़ाने हैं ऐसे ही, ये देखिए। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे डिजाइन इसमें बताऊंगी कैसे मैंने डिजाइन बनाना है। तो मैं दो सिलाइयों पे अपना फंदा ऐसे फंदा बढ़ा के कंप्लीट कर लेती हूँ। ये देखिए, एक फंदा उल्टा पीछे धागा किया, एक फंदा सीधा और धागे फंदे को निकाला। फिर से मैं आपको बता रही हूँ, ये देखिए, एक फंदा उल्टा पीछे धागा किया और एक फंदा सीधा और धागे को फंदे को निकाला। ऐसे ही हम दो सिलाइयों पे अपना फंदे बढ़ा के कंप्लीट करेंगे। उल्टी सिलाई में कुछ नहीं करना है, उल्टी सिलाई पूरी उल्टी ही बनानी है बैक साइड को। तो चलिए मैं बढ़ा के कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद आपको यहाँ पे फिर से दिखाऊंगी कि डिजाइन मैंने कैसे बनाना है। ये देखिए, बहुत ही प्यारी सी चोली यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। तो चलिए मैं बढ़ा लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे अपना दो सिलाइयों पे फंदे बढ़ा के कंप्लीट कर लिए हैं। ये देखिए, अगर और भी ज़्यादा बड़ा गहरा चाहते हैं तो और भी आप फंदे यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। जैसे कि दो फंदा सीधा, उसके बाद तीसरे फंदे पे फंदा बढ़ा लिया, ऐसे मैंने दो सिलाइयों पे बढ़ाए हैं। अब ये देखिए, यहाँ से मैं अपना डिजाइन बनाऊंगी इसमें। तो देखिए, एक दो तीन, तीन फंदे मैंने बनाए। फिर यहाँ से अपना येलो कलर को ऐड करेंगे। ये देखिए, ऐसे एक दो, इस धागे को आगे ले आएंगे, तीन चार पाँच और ये छः। फिर आगे हमने शुरू में तीन फंदे बनाए हैं, आगे जो फंदा हम बनाएंगे वो हम एक बनाएंगे। ये देखिए, ऐसे एक फंदा अपना। फिर आगे हम येलो कलर से एक दो तीन चार और इस धागे को आगे कर लेंगे, पाँच और ये छः। फिर आगे एक फंदा, ये देखिए, ऐसे एक फंदा बना लिया। एक दो तीन चार पाँच और ये छः। आप इसे धागे को चाहे तो साथ में दबा लें, चाहे आप लास्ट में भी इसको कर सकते हैं। ये देखिए, ऐसे एक फंदा बनाया। तो यहाँ पे मैं पूरी सिलाई को, उल्टी सिलाई को ऐसे ही बना के एक दो तीन चार पाँच और ये छः, फिर आगे का एक फंदा। तो आइए हम ऐसे ही इसको यहाँ तक मैं कर लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ फिर से। तो देखिए, हम यहाँ पे बनाते हुए लास्ट तक आ गए हैं। अब ये देखिए, हम यहाँ पे तीन फंदा अपना इसी कलर से बनाएंगे, जैसे हमारे यहाँ पे तीन फंदा बना था वैसे ही। ये देखिए, दो और ये तीन। सीधी सिलाई में हमने क्या करना है, जो फंदा जैसा है हमारा, उन फंदों को ऐसे सीधा सीधा हम, ये देखिए, यहाँ पे दो बॉर्डर बनाएंगे, दो फंदा उल्टा बना लेते हैं, फिर आगे का सीधा और सभी फंदों को हम जो जिस कलर से है उसी से हम सीधा सीधा बनाते हुए सीधी सिलाई को भी कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद आपको उल्टी सिलाई पे फिर से दिखाएंगे। ये देखिए, सीधा सीधे, और ज़्यादा हमने टाइट धागे को खींचना नहीं है, हल्के हाथों से ही ऐसे बनाना है, नहीं तो आपका डिजाइन खराब हो जाएगा। ये देखिए, ऐसे। अब ये देखिए, यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच और ये
छः। आगे का फंदा इसको भी सीधा बनाएंगे, ये देखिए ऐसे। तो चलिए मैं पूरी सिलाई को बना के ऐसे ही कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ उल्टी सिलाई पे, फिर से तीसरी सिलाई पे। अब ये देखिए, यहाँ से ये हम एक दो तीन चार, एक फंदा हमने येलो वाला भी ये इसी से बना लिया है। अब ये देखिए, यहाँ पे धागे को इस तरह से करेंगे और यहाँ पे ये देखिए एक दो तीन और ये चार। अब ये देखिए, यहाँ पे एक फंदा, इधर हम इस कलर से चार तीन फंदे बनाएंगे, सॉरी एक दो और ये तीन, ये देखिए इस तरह से। फिर आगे के हम चार फंदे, एक दो तीन और ये चार। फिर आगे के एक येलो वाला और एक जो हमारा वाइट था वो भी हम वाइट, दो तीन। फिर हमने एक दो तीन चार येलो बनाए और तीन वाइट बनाए इस तरीके से, देखिए ऐसे। तो आइए हम उल्टी सिलाई भी बना के कंप्लीट करते हैं। ये देखिए ध्यान से, एक और ये भी वाइट और एक आगे का वाइट, तीन हो चुके हैं। फिर आगे के हम चार फंदे येलो से करेंगे, एक दो तीन चार। तो आइए मैं अपनी सीधी सिलाई को, सॉरी उल्टी सिलाई को ऐसे ही बना के कंप्लीट कर लेती हूँ, और सीधी सिलाई में जो फंदा जैसा है उसी कलर से सीधे सीधे हम बना के कंप्लीट करेंगे। तो चलिए पहले मैं अपनी उल्टी सिलाई बना लेती हूँ, सीधी पे आपको एक बार फिर से दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे अपनी सीधी सिलाई भी बना के कंप्लीट कर ली है। चार फंदे यहाँ पे येलो कलर के हो गए और तीन फंदा वाइट कलर का। अब ये देखिए उल्टी सिलाई पे हम क्या करेंगे, ये देखिए इस तरह से एक दो तीन चार पाँच, पाँच फंदे मैंने यहाँ पे अपना बना लिए, एक और ये दो, दो फंदा मैंने अपना येलो से बनाया, फिर एक दो तीन चार पाँच, पाँच फंदे हमारे वाइट के हो गए, दो फंदा हमारा येलो से, ये देखिए एक दो, फिर आगे के पांच फंदे वाइट से। तो ऐसे ही हम पूरी सिलाई को अपना बना के कंप्लीट करेंगे, ये देखिए। तो चलिए मैं कर लेती हूँ ये वाली सिलाई भी उल्टी तरफ से, फिर आगे आपको फिर से दिखाती हूँ कि क्या करना है हमने। तो चलिए बनाते हैं ऐसे ही, ये देखिए सीधी सिलाई में जो फंदा जैसा है उसी कलर से सीधी सिलाई को भी बना के कंप्लीट कर लेंगे, फिर उल्टी साइड से आपको एक बार फिर से दिखाती हूँ। तो चलिए कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे फिर से उल्टी सिलाई पे आ गई हूँ। मैंने सीधी सिलाई को जो जैसा फंदा था वैसे ही बना के कंप्लीट कर लिया है, ये देखिए इस तरह का डिजाइन यहाँ पे बन चुका है। यहाँ पे पांच फंदे वाइट से हैं ये और दो येलो के हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पूरी सिलाई को हम यहाँ पे पूरी सिलाई को इसी कलर से बना के कंप्लीट करेंगे, ये देखिए ऐसे। सभी फंदों को इसी कलर से बना लेंगे, ये देखिए। उसके बाद हम वैसे ही अपना ग्रीन का बनाएंगे, जैसे मैंने आपको येलो का बताया है सेम तरीके से एक डिजाइन हम अपना ग्रीन से भी डालेंगे, ये देखिए इस तरीके से आ जाएगा। ये बहुत ही सिंपल सा है, इजी सा डिजाइन है यहाँ पे। तो चलिए मैं यहाँ पे इसको बना के कंप्लीट करती हूँ पूरी सिलाई को।
तो उल्टी सिलाई यहाँ पे बना ली है। अब इस सिलाई को भी हम सीधा सीधा बनाएंगे। यहाँ पे मेरा ये 8 सिलाइयों का डिजाइन हो चुका है। दोनों साइड की सिलाई गिन के आपको बता रहे हैं, 8 सिलाइयों का डिजाइन है ये। अब एक सिलाई बनाने के बाद उल्टी तरफ से मैं फिर से अपना ग्रीन कलर लगाते हुए यही दोबारा से रिपीट करेंगे। यही वाला डिजाइन हम ग्रीन कलर से भी डालेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे पूरी सिलाई को सीधा बना लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी ड्रेस बनके कंप्लीट हो चुकी है और इस तरह से हमने यहाँ पे कंगूरा बना दिए हैं, ये देखिए। अब यहाँ पे आपको लास्ट का कंगूरा मैं बना करके बता रही हूँ किस तरह से हमने बनाने हैं। ये देखिए, 4 फंदे का कंगूरा बनाया है, 2 सिलाई को वापस करके हम यहीं से पलट जाएंगे। दो फंदे बनाए, तीसरा फंदा ले लिया और यहीं से पलट जाएंगे। अब हम तीनों फंदों को बनाएंगे सीधी साइड से। अब यहाँ पे ये देखिए, 3 फंदे उल्टे उल्टे बनाएंगे, चौथे फंदे को लेंगे। ये देखिए, चौथा फंदा ले लिया, यहीं से सिलाई को पलट जाएंगे। अब यहाँ पे हम 5वां फंदा लेंगे, ये देखिए, 1, 2, 3, 4 और ये देखिए 5, जिसमें से हम 4 फंदे घटा देंगे और 5वां फंदा हमारी सिलाई में रहेगा। सीधी साइड से 5ों फंदों को ऐसे ही बना लेंगे, ये देखिए। अब ये देखिए, यहाँ से हम 4 फंदे घटाएंगे इस तरह से, ये देखिए, 1, 2, 3 और ये 4। तो देखिए, इस तरह से ही मैंने सभी कंगूरों को बनाया है और यहाँ पे अच्छे से ड्रेस हमारी बनके कंप्लीट हो चुकी है। ये देखिए, 4 से 5 नंबर को भी आराम से आ जाएगी। तो देखिए, लास्ट का भी हम वैसे ही, यहाँ पे 4 फंदे रह गए हैं, 4ों को ऐसे ही बना लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे ड्रेस बनके कंप्लीट हो चुकी है, बहुत ही प्यारी सी, बिल्कुल ही आसान तरीके से हमने इसको बनाया है। ये देखिए इस तरीके से। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके भी ज़रूर बताएं प्यारी सी पोशाक आपको कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा राधे राधे।